हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपको मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर के साथ आपको हार्दिक स्वागत है। आपके लिए आज का जो अपडेट मैं लेकर के आया हूं वो नवोदय परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के, नवोदय परीक्षा के रिजल्ट में इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है, उसमें कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाला है और कैटेगरी वाइज जो सीट मिलने वाला है वो क्या होता है, इन तीन बिंदुओं के ऊपर हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही खास होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इसके हर अपडेट को आप अच्छी तरह से जानें। आपके सामने कैलकुलेशन करके बोर्ड पर बताया जाएगा जो एकदम 100% सही होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है नवोदय परीक्षा का वो क्यों इंतज़ार करा रहे हैं या इंतज़ार हमें क्यों करना पड़ रहा है। तो कह देना चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो इस महीना के बाद अर्थात वो अगले महीना सप्ताह के फर्स्ट वीक में जो है, फर्स्ट वीक में वो आने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश का एमपी का जो दो जिला है वहाँ नवोदय परीक्षा एग्ज़ाम नहीं ले सके हैं, अर्थात तो वो दो जिला का जो परीक्षा है वो 26/9 को होने वाला है, 26/9 को होने वाला है। इस परीक्षा के हो जाने के बाद इसका भी रिजल्ट उसके साथ एक साथ बना करके नवोदय उसको क्या करेगी, जारी करेंगे। तो आप निश्चित हो जाए इस महीना में रिजल्ट आने वाला नहीं है। यदि कोई यूट्यूबर बता रहा है तो वो गलत और फॉल्स है। इसलिए रिजल्ट को लेकर के आपका जो अपडेट है वो क्या होगा, ठीक अक्टूबर में फर्स्ट सप्ताह इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा, है ना। अब रहा क्या कि कैटेगरी वाइज सीट को कैसे बांटा जाता है, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस बार जो कट ऑफ मार्क होने वाला है वो क्या रहेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी जिला को 80 सीट नवोदय समिति के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इतना सीट पर वहाँ क्या होता है, एडमिशन लेना होता है। इसी सीट को लेकर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उससे फिर क्या होता है, बच्चों का सिलेक्शन कैटेगरी वाइज कट अप करके उसको क्या करता है, चयनित करते हैं। तो किस बच्चे किस आधार से चयनित होते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल से आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 80 सीट में से क्या होता है, रूरल क्षेत्र होता है और एक अर्बन क्षेत्र होता है, यानी कि शहरी अर्बन यानी शहरी, तो रूरल ग्रामीण क्षेत्र हुआ, इसमें आपको 75% का सीट जो होता है वो रिजर्व होता है, आरक्षित होते हैं। तो 80 का 75% अर्थात 60 सीट जो है ये रूरल के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों द्वारा ये सीट जो है नवोदय विद्यालय में भरे जाते हैं। और शेष जो शेष सीट बचता है वो 20 सीट वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए होता है। लेकिन बिल्कुल ये बात गलत है, ये जो सीट होता है ये अनरिजर्व होता है यानी अनारक्षित होते हैं, अर्थात ये बच्चे में यदि एबिलिटी है, क्षमता है, तो रूरल के बच्चे भी इस पर क्या करते हैं, इस सीट को ले सकते हैं। अर्थात ये रूरल के लिए भी है और अर्बन के लिए भी है, माने ग्रामीण के लिए भी है और शहरी के लिए भी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये 60 सीट जो ग्रामीण को क्षेत्र को मिलता है ये फिर कैटेगरी वाइज इसको कैसे बांटा जाता है, फिर उसको भी हम आपको समझाने कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इसको हम सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटते हैं, सॉरी कैटेगरी नहीं, ये बॉयज़ और गर्ल में बांटते हैं। चूँकि 60 सीट जो होता है इसका लगभग 25% लड़की के लिए होता है, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15 होगा, अर्थात 15 सीट ये क्या हुआ, लड़की के लिए, गर्ल के लिए हो गया, लड़की के लिए, ठीक है। अब बाकी जो शेष सीट बचता है अर्थात 45 सीट जो होंगे ये क्या होगा, बॉय के लिए, नहीं बिल्कुल बॉय के लिए नहीं होगा ये 45 सीट जो होगा, ये लड़की भी इसमें से आके
एबिलिटी वाला जो लड़की होगा, क्षमता वाले जो लड़की होंगे, जो इसके समकक्ष नंबर लाएंगे, तो वो भी इस सीट पर आके अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। अर्थात ये इसमें लड़की और लड़का दोनों आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सबसे कसमकस जो होता है यही होता है, इसलिए हम डिटेल्स फोकस इसी पर लेके आ रहे हैं, क्या होता अंत तक इस सीट पर, है ना। अब इस 45 सीट को तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं, क्या होता है ओबीसी और एससी, चलिए एसटी और एससी और ओ क्या होता है बाकी जनरल। ठीक है, तो ओबीसी में क्या मिलता है 25 से 26% आरक्षण मिलता है, अर्थात 45 का 25% या 26% लगभग 14 सीट के बराबर आपको सीट मिल रहा है ये ओबीसी वालों के लिए। वहीं एसटी को 7.5% या 8% के लगभग इसको आरक्षण मिलता है, तो वो कितना होकर के आता है लगभग 4 सीट इसको एसटी को मिल जाते हैं। बाकी जो होता है एससी के लिए वो 14% इसको आरक्षण दिया जाता है, ये 14% एससी वालों के लिए, इसको 7.5% एसटी वालों के लिए। तो एससी को इसमें कितना सीट मिल जाते हैं लगभग ये 7 या 8 सीट इसको मिल जाते हैं एससी वाले। बाकी जो शेष सीट होता है वो लगभग कितना बचता है, ये 20 सीट जो होता है वो जनरल कैटेगरी में फिर से आ जाता है। अर्थात इसमें कोई भी कैटेगरी वाला इस सीट पर क्या करते हैं कब्जा कर सकते हैं यदि उसमें एबिलिटी हो तो। चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है ये बच्चे इस पर भी जा कर के अपना सेलेक्शन करा सकते हैं यदि उसमें एबिलिटी हो तो। ये जो 20 सीट होते हैं ये एकदम खुला होता है, अनरिजर्व होता है, ये हर बच्चे के लिए होता है। लेकिन रूरल में ये इसमें जितना हम इस लाइन को लेके आ रहे हैं इसमें शहरी वाला बच्चा नहीं है, शहरी वाला बच्चा यहाँ पे है जो कि ये भी अनरिजर्व है। इस सीट पर भी ग्रामीण के बच्चे निश्चित रूप से आ सकते हैं, एबिलिटी वाले कैपेसिटी है उसमें, तो इस सीट को भी वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए तो कह सकते हैं कि ओबीसी वालों के लिए आपको 14 सीट मिल रहा है, एसटी के लिए 4 सीट मिल रहा है और एससी के लिए 7 सीट मिल रहा है और जो जनरल सीट है वो 20 सीट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो क्या या मुख्य रूप से फोकस मेरा करना है क्या कि ओबीसी वाले सीट जो है 14 सीट क्या उसको इसी सीट से संतुष्ट हो जाना होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार हम करें यदि कैपेसिटी इन बच्चों में होगा तो ये बच्चे उस सीट पर भी कब्जा कर सकते हैं। अर्थात इससे क्या होगा हर कैटेगरी को कुछ ना कुछ प्लस सीट मिलने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। आगे चलिए हम चलते हैं लड़की। ठीक, लड़की को भी इसी तरह से एससी एसटी में इसी परसेंटेज के रूप में बांटा जाता है और लड़की चूंकि आरक्षित सीट में आते हैं इसलिए वो अनरिजर्व सीट में जाके कब्जा करते हैं और अंतिम इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है लड़की के लिए जो सीट होता है लड़की अधिक से अधिक सीट पर कब्जा कर पाती है और ये होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी है। तो लास्ट जो अपडेट आप लोग के सामने हम बताते हैं वो क्या है, इस बार जो कटअप होगा वो क्या होने वाला होगा कटअप, तो बताते हैं क्या होता है कटअप। सो इस बार शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है ना, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए जो कटअप होगा वो क्या होगा 95% से एभव ऊपर बॉय के लिए। ये बॉय यदि 95% या उससे अधिक लाते हैं तो ये सिलेक्शन हो जाएगा शहरी क्षेत्र के बॉय के लिए। वहीं लड़की के लिए क्या होगा 92% से लेकर के 94% मान के चलिए इस पर आते हैं तो भी क्या होगा शहरी क्षेत्र के बच्चियों का लड़कियों का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। वहीं क्या होता है रूरल क्षेत्र में बताते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, रूरल क्षेत्र में इसका क्या होने वाला है। यदि रूरल क्षेत्र की लड़की है गर्ल है तो उसको मान के चलिए वो कितना हो जाएगा 85% से ऊपर जब जाएगा और लगभग 90% तक जाएगा तो यहाँ लड़की सॉरी 90 नहीं इस बार जो है कटअप्स कम होने वाला है अर्थात 87%
इतना मार्क्स लेके लड़की यदि आ रही है तो यहाँ लड़की का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। वहीं जो लड़का के लिए होगा वो क्या होगा, वो 88% से लेकर के 90-92 तक यदि जा रहा है, वो 90-92 तक जा रहा है तो यहाँ उसका क्या होगा, रूरल क्षेत्र में बॉय का सेलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये रहा इस बार का कटअप्स। ये निश्चित रूप से मेरा जो कटअप्स दिखा रहे हैं ये सबसे सत्य और सही निकल करके आएगा। आप याद रखिएगा इस बात को, क्या कि हमने क्या बताया। तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल पर बने रहे, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से आपको कह देना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर, इसको आप निश्चित सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर करें। हम आपके लिए एक खास बात ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए मैं नवोदय विद्यालय का जो है तैयारी कराते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री, ऑफलाइन भी तैयारी कराते हैं। हमने इस लाइन में बहुत सारे बच्चे को जो नवोदय विद्यालय को प्रोवाइड करा चुका हूँ, है ना। तो आपसे भी मेरा ये आग्रह होगा, यदि बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बच्चे के यदि पेरेंट्स या गार्जियन है तो आपसे खास आग्रह है कि आप अपने बच्चे को मेरे चैनल के द्वारा उसको पढ़ने के लिए ये कीजिएगा, ताकि बच्चे जो है इसको इस चैनल के माध्यम से अधिक क्या होगा बेनिफिट ले सके, उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।